देश भर में इन दिनों धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत सभी जगहों पर कन्या पूजन और देवी पूजन जैसे अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। नवरात्र के इसी पावन समय में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल भोपाल में मंगलवार को बोरे में बंद करके एक नवजात बच्ची को बाघ उमराव दूल्हा के पास रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। नवजात बच्ची की गुरुवार को मौत हो गई। मामले में पुलिस ने उसे नर्स को हिरासत में ले लिया, जिस पर बच्ची को फेंकने का संदेह है। सीसीटीवी की मदद से महिला की पहचान कर ली गई है। संदिग्ध नर्स ने 17 साल की लड़की की डिलीवरी करवाई थी। बदनामी के डर से परिवार ने नवजात को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी नर्स को सौंपी। उसने नवजात शिशु को बोरे में बंद करके बाघ उमराव दूल्हा के पास रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि वह नाबालिग स्कूली छात्रा थी, जिसका बेरखेड़ी में रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग था। पुलिस छात्र के परिवार से पूछताछ कर रही है, साथ ही उसके प्रेमी की भी तलाश कर रही है। बच्ची मिली, क्या पूरा मामला है? ये कल सुबह थाना ऐशबाग अंतर्गत पुलपात्रा के पास एक नवजात शिशु बालिका कुछ स्थानीय लोगों को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिसमें थाना ऐशबाग की पुलिस के द्वारा पहुँच के वहाँ पे, क्योंकि बच्ची जीवित अवस्था में थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें एक लगभग 40 वर्षीय महिला स्कूटी पर पहुंचकर उस बोरे को एक जगह रखती हुई दिखाई दे रही थी। इसमें पूरे प्रयास किए गए तो उनकी जो है शिनाख्ती की गई, तो जो महिला है वो फिरदौस खान निवासी नवीन नगर के रूप में उनकी पहचान हुई। इसमें चूंकि नवजात शिशु को इस तरह से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया था, उस समय पे इसमें 93 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो है FIR दर्ज की गई थी थाना ऐशबाग में। इसमें बाद में अभी ये सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई कि बच्ची की जो है मृत्यु हो गई है, इस वजह से इसमें 105 BNS की धारा बढ़ाई गई है। अभी तक जो फिरदौस खान है उनके कथनों में ये समझ आया कि जो बच्ची की माँ है वह एक नाबालिग बालिका है, 14 वर्षीय बालिका है, जिसका लगभग सात माह गर्भवती थी, तो उसके परिजनों के द्वारा समाज में छवि खराब ना हो इस वजह से इनसे संपर्क किया गया था। इन्होंने प्रयास किया था उसका अवैधानिक रूप से गर्भपात कराने का, क्योंकि जब सफल नहीं हुआ और बच्ची जीवित जो है जीवित अवस्था में पैदा हुई, तो इनके द्वारा उसको इस तरीके से लावारिस अवस्था में छोड़ा गया था। तो अभी तक की जो जांच है उसके आधार पर इसमें फिरदौस खान को हिरासत में लिया गया है, जो नाबालिग बालिका की माँ है उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है और इसमें आगे जो विवेचना की जा रही है। तो इसके